ओके, डायबिटिक रेटिनोपैथी न्यूरो न्यूरो डिसऑर्डर, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। ये जो रेटिनोपैथी है इसका मतलब क्या? सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, बिकॉज आई विल बी टॉकिंग इन अ लैंग्वेज विच यू कैन अंडरस्टैंड इजिली, आपकी ऐसे भाषा में बात करूंगा जो आपको समझ में आए। सो एंड प्लीज कीप इट सिंपल, आपकी समझ से समझिए, और बहुत आसानी है इन सब चीजों को समझना। एंड देन ओनली वेन यू कैन अंडरस्टैंड और यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू कैन गो अहेड। तो डी जनरेशन हो रहा है, न्यूरो डी जनरेशन, यानी कि नस जो है, न्यूरॉन्स हैं, वो वापस रिप्लेस नहीं हो पा रहे। कोई भी चीज इस्तेमाल होती है, व्हेन यू यूज समथिंग गेट्स डीजेनरेटेड एंड द रीजेनरेशन आल्सो हैपन। सो रीजेनरेशन डीजेनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ दिस बॉडी, शरीर में होता ही है, मगर डीजेनरेशन हो रहा है, रीजेनरेशन ठीक से नहीं हो पा रहा। एंड यू आर कॉलिंग इट डायबिटिक रेटिनोपैथी बिकॉज यू आर एसोसिएटिंग इट विथ डायबिटीज, और योर डॉक्टर इज एसोसिएटिंग इट विथ डायबिटीज। सी, न्यूरो डीजनरेशन इज अ नेचुरल फेनोमेना आल्सो, एज के साथ भी न्यूरो डीजनरेशन होता है, डायबिटीज की वजह से भी न्यूरो डीजनरेशन हो सकता है, लेकिन किसी और वजह से भी हो सकता है, ठीक है, थायराइड की वजह से भी हो सकता है, इफ यू हैव ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसकी वजह से भी न्यूरो डीजनरेशन हो सकता है, आपका एनवायरमेंट खराब होगा तो भी न्यूरो डीजनरेशन हो सकता है। सो वेन एवर योर मेटाबोलिज्म गेट्स इंपैक्टेड, आपके शरीर का मेटाबोलिज्म किसे कहते हैं, वेन यू ईट सम फूड, वॉट एवर फूड यू ईट, द बॉडी हैड टू रेस्पॉन्ड, द बॉडी हैज टू रेस्पॉन्ड, शरीर को रेस्पॉन्ड करना होता है। जैसे आपने भोजन खाया, दिस इज द ट्रिगर, और बॉडी इंसुलिन रिलीज करेगा, ऐसा ही होगा ना, होना चाहिए ना, इंसुलिन रिलीज कर ना, इट इज नॉट जस्ट इंसुलिन, केवल इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन, अमाइलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन, और टेट्राहाइड्रोथायरोनिन, थायरोक्सिन, और पता नहीं कितने सारे और हैं, कितना साइंस कितना जानता है, एलोपैथिक साइंस कितना जानता है, नॉट इवन 1% ऑफ दिस बॉडी, शरीर का 1% भी नहीं जानता। तो वी डोंट गेट टू द राइट कंक्लूजन, and that is why disease episode is increasing in the world, duniya mein bimari badh rahi hai, kam nahi ho rahi, diabetes badh raha hai, kam ho raha hai, badh raha hai. Acha yaad hai aapko dada dadi nana nani, unko diabetes tha kya, ya unki pehle uske pehle generation ko nahi tha, 100 saal pehle kisi ko diabetes nahi tha. So we are disturbing the metabolism in some way, kisi tarike se disturb kar rahe hain apne metabolism ko. यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या, एक आसान शब्द मैंने बता दिया, ट्रिगर रेस्पॉन्स, कुछ खाया और बॉडी को रेस्पॉन्ड कर, ये मैकेनिज्म खराब कर दिया हमने, ठीक है ना। अच्छा सपोज करो आप, यू ईट नेचुरल फूड, जो प्रकृति में उत्पन्न फूड भोजन होता है उसको आप खाते हैं, सपोज करो आपने केमिकल खा लिया, योर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर केमिकल, इजंट इट, अब बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा बताइए, क्या करेगा वो, कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन रिलीज करना है उसको, उसको समझ में नहीं आएगा ना, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। देखो, अगर आपका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आप, यू आर नॉट लिविंग, इफ योर बॉडी डजंट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, यू आर नॉट लिविंग, आप जिंदा नहीं है। तो यानी आप एक केमिकल खाते हैं तो शरीर को रिस्पॉन्ड तो करना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा, मगर ये कंफ्यूजन में है, इसको समझ में नहीं आ रही क्या खा लिया। सो द बॉडी इज रिस्पॉन्स, इफ यू कंटिन्यू, जब एक बच्चा पैदा होता है तो कितने केमिकल डालते हैं उसके अंदर, कितने केमिकल डालते हैं, वहां से शुरुआत किया ना हमने, बॉडी के रिस्पॉन्ड को खराब करना, कंफ्यूज करना, वहां से शुरुआत किया हमने। जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड डालते हैं, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, तो बॉडी का रिस्पॉन्स कंफ्यूज होता, एनवायरमेंट की वजह से भी आपका बॉडी का रिस्पॉन्स का स्ट्रेंथ है, एनवायरमेंट खराब करोगे तो आपका बॉडी का रिस्पॉन्स का स्ट्रेंथ कमजोर हो जाए, तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए। यानी आपने कुछ डाला और बॉडी को समझ में नहीं आया, शरीर को समझ क्या करना है, इसमें कौन सा हार्मोन निकालने, कौन, वो केवल क्या निकालेगा, अपने को बचाने का हार्मोन निकालेगा, कहेगा ये तो खतरा हो गया, तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी करेगा, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कहते हैं,
एड्रिनल ओवर एक्टिविटी अपने को बचाने का तरीका है, उससे ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ जाता है, या तो लड़ो या तो भागो, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं उसको। बॉडी वही करता है, जब बॉडी वो कर रहा है काफी समय तक आप इसको कंफ्यूज करो फिर इसका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म खराब हो जाता है, इसके ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो बॉडी में रीजनरेशन कब होगा, जब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, जब आप जो भोजन करेंगे वो ठीक से आगे की एंटिटीज में कन्वर्ट होगा, आपके टिश्यूज में कन्वर्ट होगा। सात धातु कहते हैं, सप्त धातु, आयुर्वेद का प्रिंसिपल क्या, योर फूड कन्वर्ट्स इनटू सेवन डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ टिश्यू, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है ना। सात कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ये बदलेगा और आठ तरीके के आयाम आपके शरीर में स्थापित करेगा, जिसे हम अष्टांग कह रहे हैं, और इसके लिए छह शक्तियां चाहिए, छह बल चाहिए, छह शक्तियां चाहिए, देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। तो आपका मेटाबॉलिज्म छह लेवल पे होता है, मैं तो पहले की बात कर रहा हूं। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक नहीं है, जिससे कि आपके टिश्यूज बनते हैं, तो रीजनरेशन फैक्टर तो वीक हो गया ना। और ये काम हम कर रहे हैं, हम खराब कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म। लाखों सालों से ह्यूमन बींग का मेटाबॉलिज्म कभी खराब नहीं हुआ, पिछले 50-100 साल में हो रहा है। सो हम जानबूझ के खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बॉडी के रिस्पॉन्स को रोकना क्रिमिनल कहलाया जा सकता है, ट्रीटमेंट तो नहीं कहलाया जा सकता। कोरोना जब हुआ आपको, वायरल इंफेक्शन जब हुआ, तो शरीर वायरस को मारेगा कैसे ये बताइए, टेम्परेचर बढ़ाएगा, 5 डिग्री का टेम्परेचर आपका बॉडी का बढ़ जाएगा, कोई भी वायरस मर जाएगा। मगर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, आप क्या खाते हो, पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन खा देते हो, शरीर को काम नहीं करने देते। जब शरीर उल्टी करना चाहता है तो आप वो खा लेते ना, ओंडेंसेट्रॉन सिरप, या बच्चों को पिलाते हैं, मालूम है, आप उल्टी रोक देते हो। जब शरीर अपने टॉक्सिन्स दस्त करके निकालना चाहता है तो आप दस्त रोक देते हैं। जब शरीर कहता है कि ये प्रॉब्लम है, दर्द क्रिएट करता है, तो आप प्रॉब्लम ठीक नहीं करते, दर्द को ही काट देते हैं। दर्द की गोली तो सबने खाई है, यानी आप रेड लाइट तोड़ देते हैं, कहते हैं हमें नहीं मानना जी, इसको आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। जब इम्यून बॉडी का रिस्पॉन्स, किसी ने पूछा आरए इम्यून रिस्पॉन्स, जब डरेगा आपका शरीर, सपोज करो कुछ गलत चली गया आपके शरीर के अंदर, तो बॉडी की इम्यूनिटी ऊपर उठेगी ना बचाने के लिए, तो वो ऐसे प्रोटीन क्रिएट करेगी जिससे कि वो खराब चीज को मारा जा सके। मगर वो गलत हो गया, मेरा आरए हाय है तो मुझे रिमिटेड आर्थराइटिस हो गया, मेरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर 100 साल पहले किसको होता था, किसी को भी नहीं होता। ब्लड प्रेशर किसको था, कम से कम हार्ट डिजीज किसी को था क्या 100 साल पहले, किसी को भी नहीं था, नंबर वन कॉज ऑफ डेथ है ना। थायराइड सुना 25 साल पहले, किसी ने नाम सुना थायराइड का, नहीं। आज देखो हर दूसरे को थायराइड हुआ पड़ा, बच्चियों को हो रहा है, 12-13 साल में हो रहा है ना थायराइड, 12-13 साल के बच्चों, मेरे पास आते हैं केस ऐसे। मैं थायराइड का, वी डू अ थायराइड प्रोग्राम जहां लोग दवाइयां छोड़ गए अब ठीक हो रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या आपको मालूम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, गोइंग अप टू कैंसर, ये कैंसर तक ले जाए। देखिए एक बात मैं आपको साफ बता रहा हूं, अभी शुरुआत कहां से की, आपने कुछ खाया, शरीर को रिस्पॉन्ड करना, हम केवल एक चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। आपने ये नाम सुना होगा, किसी ने देखा है, नहीं देखा, आपको लगता है कोई अंग्रेजी शब्द बोल देने से इंसान बुद्धिमान हो जाता है, तो आज तक तो नहीं हुआ, 100 साल में तो नहीं हुआ, 100 साल बाद हो जाएगा क्या, ग्रीको रोमन शब्द बोलने से कोई बुद्धिमान हो जाता है क्या। देखिए आपने एनवायरमेंट साइंस का जन्म हमने दिया, भारत में साइंस का जन्म हुआ, किसी और ने इसका टैग ले लिया, चोरी किया हुआ माल ना हजम नहीं होता, फिरंगी हमसे साइंस चुरा के ले गए और वो आज आपको पढ़ा रहे हैं। एक बीमारी ठीक नहीं करते आप, कोई भी बीमारी हो तो कहां जाते हो, एक एलोपैथ
के पास में जाते हो ना, ऑल्टरनेट है होता का मतलब होता, एलोपैथ का मतलब मालूम क्या होता, ऑल्टरनेट, वो मेन लाइन हो गया, ऑल्टरनेट तो है ही नहीं आपका यहाँ, वो तो मेन लाइन हो गया, ऑल्टरनेट तो बाकी सारे हो गए। तो आप वहां जाते हो, वो क्या कहते हैं, जी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, ठीक नहीं होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, ठीक नहीं होगा, आर्थराइटिस हो गया, ठीक नहीं होगा, ये हो गया, ठीक नहीं होगा, फिर भी आप वहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी हम ठीक नहीं करते साहब, लेकिन हमारी दवाइयां जरूर खाओ, हम आपको ठीक नहीं करेंगे, आगे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कल को आप क्रैश हो गए, बिस्तर में पड़ गए, आईसीयू में एडमिट हो गए, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आपको आंखें तो खोलनी पड़ेंगी ना, आप भारतीय है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका जन्म हुआ है, यानी आपके पूर्वज बुद्धिमान थे, कम से कम इतना तो मानिए, आपके पूर्वज बुद्धिमान थे, केवल साइंस का टैग लगा के कुछ भी बोलता है आप मान लेते हो। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है ना, अब मेटाबॉलिज्म खराब हुआ, सब कुछ खराब हुआ, मगर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म खराब हुआ। आपको मालूम है कैंसर टेस्ट कैसे होता, कैंसर का एक्चुअली में रियल में कोई भी टेस्ट नहीं होता, टेस्ट किस चीज का होता, पेट स्कैन जो कराते हैं किस चीज का होता है, ग्लूकोज कौन ज्यादा खा रहा है, कौन सा टिश्यू ग्लूकोज ज्यादा खा रहा है, इसका टेस्ट होता। तो आप एक्सरसाइज भी कर लेंगे ना ज्यादा, और जाके कैंसर टेस्ट कराएंगे तो बॉडी में कैंसर नजर आएगा। तो क्या हम कैंसर क्रिएट नहीं कर रहे हैं? अगर मेटाबॉलिज्म खराब कर रहे हैं केमिकल्स डाल के, हाइब्रिड क्रॉप और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड डाल के, एनवायरमेंट को खराब करके, और काम नहीं कर रहे अपने पर बैलेंस में लाने के लिए अपने आप को, तो क्या हम मेटाबॉलिज्म खराब नहीं कर रहे? तो ये क्या हम कैंसर क्रिएट नहीं कर रहे? हर एक को होने वाला है, फिर सबका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा तो सबको कैंसर होने वाला है, चाहे हो चाहे नहीं हो, कम से कम लैब में जाके तो आपको कैंसर टैग कर दिया जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म खराब होगा, रीजनरेशन सबसे पहली स्टेप, रीजनरेशन कैसे होगा, कैसे आपके शरीर में कोई नई चीज बनेगी जब आप शरीर का रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस ही खराब कर देंगे। अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस, इस देश में इसको एक नाम दिया गया, इसको कहते हैं धर्म, अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस इज कॉल्ड एज धर्म। अगर अप्रोप्रिएटली आप रेस्पॉन्स करेंगे किसी भी चीज को तो वो सस्टेनेबल बनता है, वो कभी रुकेगा नहीं, चलता जाएगा। हेल्थ का मतलब ही है आपका शरीर अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर पाए। आप उसी को काट रहे हैं, रोज काट रहे हैं, दवाई खा के बीमारी क्रिएट कर रहे हैं और फिर कहते हैं हमको तकलीफ आ गई। तो न्यूरोपैथी बहुत वजह से हो सकता है, डायबिटीज का मतलब ही है जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है आपके बॉडी का वो गड़बड़ हो गया, कोई दवाई से ठीक नहीं कर सकती, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स को वापस लाना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं, आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, आप लोग समझदार लोग हैं, अगर समझ तो लीजिए कम से कम। प्रोग्राम ज्वाइन करना नहीं ज्वाइन करना, प्रॉब्लम ठीक करना नहीं करना, वो आपकी मर्जी, पैसा अमरीका को देना है कि भारतीय लोगों को ही देना, आपकी मर्जी है ना, दवाई खाते हो तो अमरीका को पैसा देते हो, वो हथियार बनाता है, चौधरी बना करता है दुनिया पे, ठीक तो करेंगे नहीं ना, साफ कह दिया, डॉक्टर के पास जाते पहली बात क्या कहते, ठीक तो नहीं होता जी, मतलब इतना अच्छा बिजनेस का मॉडल है ना, मैं तो कह रहा हूं कि हैट्स ऑफ, हम ठीक नहीं करेंगे मगर दवाई आपको खानी पड़े, क्या कमाल का बिजनेस मॉडल है। अब जरा ध्यान से सुनिए, न्यूरोपैथी किसी भी तरीके से हो सकता है, मगर बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे, बॉडी रिस्पॉन्ड करता है जरा समझिए, है ना, कुछ तो मैंने बताया है, जरा करो एक्सपेरिमेंट तो करो, समझ में आना चाहिए, बाकी दैट इज योर चॉइस, योर फ्रीडम, फ्री कंट्री है ये बिल्कुल, हजारों सालों से फ्री रहा है। हाथ को क्लास्प कीजिए और खींचिए, जोर लगा के खींचिए, रोक के रखिए, जरा देखिए सांस रोक रखी है आपने, बिना सांस रोक के खींच के दिखाओ। अच्छा, धक्का देते हैं, जोर लगाते हैं, ऐसे पुश करते हैं, पुश करते हैं, पुश करो, जोर लगाओ, जोर से पुश करो, एंड फोल्ड, देखो पीछे सांस रोक रखा। स्ट्रेंथ कोई भी बॉडी का आप क्रिएट कर कैसे करेंगे, वेट उठाते हैं, वेट उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, बिना सांस रोक के उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, एक टांग पे खड़े हो जाइए, देखिए करके देखिए कभी, अब देखो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपको, आप लोग समझदार हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग मानते हो कि आप समझदार नहीं हो, एक गोड़ी चमरी ही समझदार हो सकती है,
आपके दिमाग में ये भरा गया है, मगर वो सबसे बेवकूफ प्रजाति है इस मानवता की हिस्ट्री के। उन्होंने एनवायरमेंट खराब कर दिया, मानव शरीर खराब कर दिया, भोजन खराब कर दिया। ऐसा बेवकूफ प्रजाति इस दुनिया में कभी नहीं हुई। आप लोग समझदार हैं। अच्छा, एक टांग पे खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? कैसे खड़े होंगे? बैलेंस कैसे करते हो? सांस रोक के करते हैं। किसी को कोई धक्का दो, किसी को बोलिए धक्का दो मुझे, खड़े हो जाइए, बोलिए धक्का दीजिए। रोकेंगे कैसे? संभलेंगे कैसे? सांस रोक के संभालेंगे। कभी बस में ट्रैवल किया है? मेट्रो में, बस में, वो हैंडल पकड़ के खड़ा होना पड़ा, उबड़ खाबड़ हुआ तो आपने ज्यादा टाइट पकड़ा ना, सांस रोक लिया। हॉरर मूवी देखिए कभी, हॉरर मूवी देखिए कभी, जब डर वाला सीन आता है तो क्या करते हैं? सांस रोक लेते हैं। कोई आपको मुक्का मार रहा हो, कोई आपको मुक्का थप्पड़ मार रहा हो, आप अपने को बचाने के लिए क्या करते हैं? सांस रोक लेते हैं। अपने जीवन को ऊपर से लेके नीचे तक देखिए। हाउ डू यू फंक्शन? आप कार्यकलाप, काम कैसे करते हैं? बिना ब्रेथ को होल्ड किए नहीं कर पाएंगे, अलग अलग वेरिएबल प्रोपोर्शन। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक, कुछ भी करो, बैठ के उठना भी है तो भी सांस रोकना पड़ता। अलग अलग अनुपात में सांस रोक के आपके एक्शन परफॉर्म होते हैं, आप काम करते हैं। अपने को बचाना है, बैलेंस में लाना है, तो भी आप सांस रोक के करें। इसका मतलब तीन चीजें स्थापित कीजिए अपने शरीर में, आप ठीक हो जाएंगे, आपका रीजनरेशन फैक्टर बढ़ जाएगा। क्या? स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम, ठीक है ना? अगर इसको हम सटल लेवल पे ट्रांसलेट करें तो भाव, राग, ताल, रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ, भाव, राग, ताल, भारत। आपके देश के नाम में ही हेल्थ की कुंजी छुपी हुई, भारत। ये तीन चीजें, रिदम, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ को स्थापित करेंगे। और तीनों कैसे करेंगे आप? सांस को रोक के करें। तीनों ही सांस रोक के होते। अभी इतने सारे आपको एक्सपेरिमेंट्स बताए। अब देखिए, स्ट्रेंथ क्रिएट करते हैं तो भी सांस रोकते हैं, बैलेंस करते हैं तो भी सांस रोकते हैं, और रिदम फ्लो क्रिएट करते हैं तो भी अलग अलग प्रोपोर्शन में सांस को रोक के ही करते हैं। तो कुंभक थेरेपी वो थेरेपी है जो सांस को रोक के आपके ऑर्गन का, आपके फंक्शन का बॉडी के अंदर, ये तीन फैक्टर्स को ठीक करेगा, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम, आपके ऑर्गन का, आपके फंक्शन का। एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। लिवर को रिजनरेट करना है, रिजुवनेट करना है, तो लिवर को रिजनरेट करने के लिए, अगर किसी का लिवर में प्रॉब्लम है ना, तो उसकी सांस को ऑब्जर्व कीजिए जरा। ये आप कर नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। उसके सांस का ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे क्या होगा, उसकी एक्सहेलेशन बड़ी लंबी होगी। तो वो लंबी एक्सहेलेशन करके आपका शरीर लिवर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन आप इसको नंब करके, कोई दवाई खिला के, दर्द की दवाई खिला के, ये दवाई खिला के, इसकी वो शक्ति, रिकवर करने की शक्ति को कम कर देते हैं। जो आपका शरीर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, इसी को डायबिटीज कहते हैं ना, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है। एक्चुअली ये डायबिटीज है नहीं, मगर आपने मान लिया। ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो शरीर क्या करेगा? खूब प्यास लगाएगा, खूब पानी पियेंगे, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके वो ब्लड के खराब ग्लूकोज को निकाल देगा। यही होता है डायबिटीज का सिम्टम। मगर आप नहीं करने देंगे, आप मेटफॉर्मिन खा लेंगे, उस खराब ग्लूकोज को जो आपके ब्लड में है उसको कहां भेजेंगे? अपने ऑर्गन में भेज देंगे, अपनी नसों में भेज देंगे। फिर कहेंगे न्यूरोपैथी हो गया, किडनी खराब हो गया, लिवर खराब हो गया। अरे क्यों खराब कर रहे हो फिर? क्यों आपने वो मेटफॉर्मिन, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लाइकोलाजाइड, रोसिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, इतने सारे नाम रख रखे हैं ना, क्यों खाया आपने वो? शरीर तो कर रहा था अपने आपको ठीक, क्यों नहीं करने दिया? उसका रिकवरी फैक्टर को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग किया आपने? तो इसीलिए डायबिटीज को ठीक नहीं होता, क्योंकि आप ठीक कर ही नहीं रहे उसको, हमारे यहां तो हो जाते हैं डायबिटिक ठीक। टाइम लगता है हर एक को, अलग अलग टाइम, क्योंकि जिसने 50 साल तक दवाइयां खा के अपने आप को खराब किया, उस तो टाइम देना पड़ेगा, 3-4-6 महीने तो देने पड़ेंगे ना उसको, साल भर देना पड़ेगा उसको। तो आपका बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा होता है किसी चीज से बचने का, इट इज ऑलवेज कुंभक। फंक्शनल रिस्पॉन्स कुंभक है। फंक्शन, आप काम कैसे करते हैं? कुंभक के बगैर काम नहीं करते।
ब्रेथ होल्ड फैक्टर के बगैर आप काम नहीं करते, आपके ऑर्गन्स रिजुवेनेट करने हैं। जैसे लिवर का बताया, किडनी किसी का खराब हुआ है, उसके ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, आप देखेंगे वो लंबा खींचता है सांस, लंबा खींचता। तो लिवर ठीक करना है तो क्या फॉर्मूला बन गया, एक यूनिट इनहेलेशन, एक यूनिट होल्ड, चार यूनिट एक्सहेलेशन। ऐसे करेंगे तो लिवर रिजुवेनेट होने लग जाएगा। चार यूनिट इनहेलेशन, दो यूनिट होल्ड, एक यूनिट एक्सहेलेशन, ऐसा करेंगे तो किडनी रिजुवेनेट होने लग जाएगा, है ना। रोज करेंगे अपने बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर काम, पूरा बॉडी रिजुवेनेट होने लग जाएगा अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो। इसीलिए ये कस्टमाइज मॉड्यूल होता है। आपका एक्चुअली वीक पॉइंट क्या है वो हम डिसाइड करते हैं प्राणशक्ति डायग्नोसिस से, फिर कस्टमाइज सिखाते हैं आपको, उसके बाद कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, फिर आप उसे प्रैक्टिस करते करेंगे, रोज रिज्यूमिनेट करेंगे, रिजेनरेट करेंगे, रोज अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे, रोज बैलेंस क्रिएट करेंगे, है ना। आपके शरीर को तीन तरीके का बैलेंसिंग चाहिए, अलाइनमेंट चाहिए, नाभि कौड़ी नले, ठीक है। नाभि का मतलब होता है नेवल का अलाइनमेंट, दूसरा अलाइनमेंट चेस्ट का अलाइनमेंट चाहिए, चेस्ट के बीच कौड़ी होती है, बीच में एक हड्डी निकली हुई है उसे कौड़ी कहते हैं, उससे आपका लंग और हार्ट का फंक्शन रेगुलेट होता है। तीसरा आपके बॉडी का स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट चाहिए, हड्डियों का स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट चाहिए, तो वो जांघों से होता है, कमर के नीचे जो जांघें हैं ना, वहां से हम उसको पूरे स्ट्रक्चर को अलाइन कर सकते हैं। ये तीनों अलाइनमेंट करने की जरूरत है। आप गाड़ी को ऊपर खाबड़ जगह में ले जाते हैं, फिर व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं, व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं ना, अपना अलाइनमेंट कब करवाओगे, इसको तो बहुत खराब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलाइनमेंट नहीं कर रहे। तो हमारे प्रोग्राम में आप रोज के रोज वो अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। तो हठ विन्यास या फिर मर्म विन्यास, पहला तीन चीजें सीखेंगे, अंगन्यास, मर्म विन्यास, कुंभक थेरेपी। ये मर्म विन्यास विन्यास में अलाइनमेंट पूरा है, ठीक है ना। अंगन्यास क्या है, स्ट्रेंथ क्रिएट करने का तरीका, मर्म विन्यास बैलेंस क्रिएट करने का तरीका, कुंभक थेरेपी रिदम क्रिएट करने का तरीका, ठीक है। तो ये बहुत सही, बहुत बहुत कुछ देखने के बाद में बहुत होलिस्टिक तरीके से ये मॉड्यूल डिजाइन किया गया है। इसमें आपके शरीर के हर एक एस्पेक्ट को एड्रेस होता ही है या एड्रेस किया ही जाता है, कोई चीज छूटती नहीं है। हमारे पास में ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, टेस्टिमोनियल हैं, जहां पे कि इम्पॉसिबल रीजेनरेशन भी हुआ। जैसे पैरालिसिस वाले बंदे पैरालिसिस से निकल गए, 95% से ज्यादा सेंसेशन वापस आ गई, ठीक है। ड्रॉप फुट मैराथन रनर दोबारा मैराथन दौड़ने की, जिनको बोल दिया गया था आप कभी नहीं दौड़ पाएंगे, वो दोबारा दौड़ने लगे, है ना। इस तरीके के माइस्थीनिया ग्रेविस और भी आप लॉक जॉ, टेनिस एल्बो, क्या नाम कुछ भी दे दो, आपका शरीर हर एक प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। आपको उसके रीजुवनेशन, रीजेनरेशन और रिकवरी का फैक्टर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो हम कर रहे हैं। और इस हिसाब से, इस वजह से आपका न्यूरो रीजेनरेशन होगा। बहुत लोग ग्लूकोमा से निकल गए। देखिए न्यूरोपैथी, ये मैं न्यूरोपैथी के ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। न्यूरो रीजनरेशन होने से ये ठीक होगा। न्यूरो रीजनरेशन कैसे ठीक होगा, जब वो जैसे मैंने बताया मेटाबॉलिज्म से लेके बाकी अलाइनमेंट और बाकी फैक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो। और ये बिल्कुल 100% होता है।